Now, Sri Chunibhai, Kanjibhai, Gohel. Thank you very much, You're sir. You only 3 minutes, eh? Sir, every time you have indicated me two minutes, 1.5 minutes, 3 minutes. What sir, can I do? Sir, thank you very much. It's your party decision. मैं हमारे भाग्यशाली मंत्री श्री जो दो विधेयक लेके आए हैं उनको मैं अभिवादन करने के लिए खड़ा हूँ और सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ. सर, ये प्रश्न फ्लैग का हो, मजदूर के वेलफेयर का हो बोर्ड पे, या मछलियों के लिए हो, मैं एक आपको एक सदन को एक बात करना और बात बताना भी चाहता हूँ कि फ्लैग ना होने की वजह से मछुआरे को कितनी परेशानी होती है. मैं आपको ये इसका एक उदाहरण देता हूँ. 2 महीने पहले जाफराबाद गुजरात के पास में जाफराबाद टू 60 नॉटिकल माइल वन एक्सीडेंट वॉज देयर. एट दैट टाइम एक शिप निकला और उसके एक फिशिंग बोट को टक्कर दी. टक्कर देने के बाद में वो फिशिंग बोट में 5 मछुआरे मर गए ऑन द स्पॉट. 5 मर गए और बोट ऑन द स्पॉट टोटल लॉस हो गई. सर, वो वेसल में जो ईरान का वेसल था वो वेसल में फ्लैग नहीं था. फ्लैग नहीं होने की वजह से हम लोगों ने जो मछुआरे लोग वहां के थे उनको बहुत बड़ी तकलीफ हुई. सब ढूंढने गए, कोई मुंबई चला गया देखने के लिए कि वेसल कहाँ गया. मुंबई गए, कांडला गया, कोई सूरत गया. तो सूरत जाके एक वेसल को देखा तो वो वेसल के पास तो कोई फ्लैग नहीं था. अगर फ्लैग होता तो हम लोग पकड़ सकते थे. तो वहां जितनी भी वेसल खड़ी थी पोर्ट पे, सभी वेसल को मछुआरों ने चेक किया. तो जहां टक्कर लगी थी वेसल के ऊपर, वो टक्कर से उस वेसल को हम पहचान पाए. और उसको बाद में उसका जो चीफ ऑफिसर था, कैप्टन था, उनको बुला और उनके पुलिस को लेके गए. तब जाके उन्होंने कन्फेस किया कि हाँ, हमारे से रात को एक एक्सीडेंट हुआ था और हम एक्सीडेंट करके यहाँ आ गए हैं. सर, ये फ्लैग नहीं होने की वजह से 5-6 दिन के बाद ये हमको बाद में वेसल का पता चला कि कौन सा वेसल एक्सीडेंट करके गया था. ये बहुत बड़ी बात है. मैं समझता हूँ कि हमारे मंत्री जी ने ये बहुत बड़ी बात लाई है IMO के तरफ से. IMO में सर भारत, पाकिस्तान, चीन, बहुत से राष्ट्र के लोग इसमें शामिल है. बहुत के राष्ट्र के लोग सदस्य हैं. सर, मैं ये कहना चाहता हूँ और मेरी ये मंत्री जी से निवेदन भी करता हूँ और अर्ज भी करता हूँ कि यहाँ हमारे तमिलनाडु के, केरला के और गुजरात के लोग जो बैठे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महाराष्ट्र के बीच, थैंक यू, जहाँ जहाँ जितने भी लोग बैठे, जहाँ जिसको समुद्र का जो किनारा लगता है, जो फिशिंग बोटें जहाँ फिशिंग करने जाती है सर, महाराष्ट्र की बोटें जाती है पाकिस्तान के आसपास, केरला और तमिलनाडु की फिशिंग बोटें जाती है श्रीलंका के आसपास, तो सर ये लोग जो फिशिंग करने जाते हैं वो फिशिंग करने जाते हैं, कोई देश के किसी देश के साथ गद्दारी करने या किसी देश के साथ कोई गलत काम करने के लिए नहीं जाती है. सर, मैं आपको बताऊं, श्रीलंका और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, या सी का बॉर्डर है जहाँ बॉर्डर ही नहीं है, लेकिन कोई मछुआरे को तो पता नहीं है कि कहाँ से कहाँ हम फिशिंग करने जाते हैं और ये बॉर्डर कहाँ की है, क्योंकि वहां तो कोई रेड मार्क है नहीं. सर, 2 मिनट प्लीज. तो वहां जाके फिशिंग करते हैं, तो अगर उसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास में अगर पाकिस्तान की फिशिंग नेवी ने उसको पकड़ लिया और देख लिया, तो सर मैं एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि उसको चेक करे. अगर उसमें कोई इलीगल एक्टिविटीज है, कोई देश के खिलाफ कोई कार्यवाही करने के लिए कोई फिशिंग बोट में है, तो उसको पकड़ के ले जाए, हमको कोई वांधा नहीं है. लेकिन जो फिशिंग करने लिए आते हैं और चेक करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद कुछ भी नहीं होता है, तभी मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ. थैंक यू वेरी मच.